हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू। एंड यहां पर हमें एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर प्लस जेड पावर फोर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, मैं मान लेता हूं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पर मैं इस इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज कर रहा हूं, एक्स पावर टू प्लस वाई पावर टू प्लस जेड पावर टू एंड दिस इज इक्वल्स टू टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू। अगर मैं दोनों तरफ पावर टू करता हूं, इफ यू टेक स्क्वायर बोथ साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करता हूं, हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करता हूं तो यहां पर देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक्स पावर टू ब्रैकेट पावर टू प्लस वाई पावर टू ब्रैकेट पावर टू प्लस जेड पावर टू ब्रैकेट पावर टू प्लस टू टाइम्स ए। ए का मतलब क्या है कि x पावर 2 y पावर 2 प्लस बी सी, बी सी यानी कि y पावर 2 z पावर 2 एंड सी ए यानी z पावर 2 x पावर 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब है टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज मल्टीप्लाइड बाय टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो टू टाइम्स 2 ये हो जाएगा 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहां पर आएगा हमारे पास 8। तो यहां पर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8। क्लियर है। अब देखिए यहां पर x पावर 2 ब्रैकेट पावर 2 है तो मैं यहां पर बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल यूज करूंगा। हमारे पास होता है a पावर m ब्रैकेट पावर n ये बराबर होता है a पावर m इंटू n। तो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस z पावर 4 प्लस टू टाइम्स एक्स पावर टू वाई पावर टू प्लस वाई पावर टू जेड पावर टू प्लस जेड पावर टू एक्स पावर टू एंड दिस इज इक्वल्स टू 8। तो यहां पर अगर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिये मैं यहां पर अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं यहां पर दोनों तरफ पावर टू करता हूं, इफ वी टेक स्क्वायर बोथ साइड एंड यहां पर मैं ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर यूज करता हूं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो का स्क्वायर जीरो। तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो किसके बराबर है टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू के। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस टू टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर हमारे पास आएगा टू टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड ये प्लस का टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू, जब लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो हमारे पास आएगा माइनस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो अगर मैं यहां पर दोनों तरफ टू से डिवाइड करूंगा तो इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स ये बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू। तो हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये बराबर आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू के बराबर आ रहा है। क्लियर। अगर मैं यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लू, इफ वी टेक स्क्वायर अगेन बोथ साइड एंड यहां पर मैं फिर से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा यहां पर एक्स टाइम्स वाई होल स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स जेड होल स्क्वायर प्लस जेड टाइम्स एक्स होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स x into y is multiplied by y into z plus y into z is multiplied by z into x plus z into x is multiplied by x into y and this is equals to
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टू के, क्योंकि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू, माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस एंड यहां पर आएगा हमारे पास टू। तो देखिए आगे यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, एंड यहां पर आएगा हमारे पास एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस यहां पर आएगा हमारे पास वाई एंड यहां पर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर हमारे पास जेड यहां पर है एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू टू। यहां पर देखिए ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स। यहां पर से अगर मैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड को कॉमन निकाल लू, एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल लू, तो यहां पर हमारे पास देखिए एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा तो यहां आएगा वाई, एक्स वाई जेड कॉमन आएगा यहां आएगा जेड एंड एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा यहां आएगा एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू टू। एंड इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है वो कितनी है जीरो, तो हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये पूरा एक्सप्रेशन तो जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो ये किसके बराबर आएगा हमारे पास टू के बराबर आएगा। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर है टू के बराबर, तो यहां पर अगर मैं टू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर तो ये टू टाइम्स टू ये फोर हो जाएगा एंड ये जो फोर आएगा ये प्लस का फोर जब लेफ्ट से राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का फोर हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स पावर फोर प्लस वाई पावर फोर प्लस जेड पावर फोर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी फोर। तो ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को कर दो लाइक। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।